2013 में इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि जिन महिलाओं को पीरियड्स में माइग्रेन अटैक आता है वो अगर पीरियड्स के दौरान सेक्स करती हैं तो उन्हें माइग्रेन अटैक से फायदा मिलता है। और सवाल भी यही है कि पीरियड्स में अगर सेक्स किया तो फायदा है या नुकसान, क्योंकि आज भी तमाम महिलाओं के पास इसका जवाब नहीं है कि क्या करें। इस सवाल का जवाब देने आ रही है लखनऊ शहर के सबसे बड़े अस्पताल अपोलो मेडिक्स में स्त्री रोग विशेषज्ञ और लेपोस्क्रोपी सर्जन डॉक्टर नेहा नेगी। डिपेंड ये करता है मैम कि अगर पीरियड्स के दौरान यूजुअली हाइजीन मेंटेन रखने पे आप शारीरिक संबंध कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उस वक्त अवॉइड करें, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड तो वहाँ पे है ही, और अगर और ओवर सिक्रीशंस होते हैं तो इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, तो इट इज बेटर टू बी अवॉइडेड। मैम, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर पीरियड्स के दौरान सेक्स करते हैं तो एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, होता क्या है कि पीरियड्स के समय रक्त का स्त्राव हो रहा होता है। एड्स वैसे भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कि जो असाधारण सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या ब्लड प्रोडक्ट्स के आदान प्रदान से होती है, तो उस दौरान चांसेस हाई रहते हैं क्योंकि एक एनवायरनमेंट ऑफ इन्फेक्शन होता है। इस वजह से उसके चांसेस ऐसे डॉक्यूमेंटली तो नहीं, लेकिन बेटर है कि यू शुड अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मैं पीरियड्स के दौरान कई बार बहुत स्मेल आती है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? क्या सभी के साथ ऐसा होता है, कुछ गड़बड़ी की वजह से होता है? देखिए, पीरियड्स के दौरान यूजुअली ओडर जो होता है वो नॉर्मल होना चाहिए, बैड या फाउल स्मेलिंग ओडर नहीं होता है। ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपके निचले हिस्से में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा हो, या आप समय पे कायदे से अपने पैड को चेंज ना कर रही हो, उससे भी इन्फेक्शन और महक आने लगती है। बेटर ये रहता है कि पीरियड्स के दौरान आप अपना जेनिटल एरिया को ज़रूर क्लीन कर रखें और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करें। अपना जो पैड है वो फ्रीक्वेंटली बदलें, ना कि उसका वेट करें जब वो पूरा सोक हो तभी चेंज करें। समय समय पे उसे चेंज करें, जब भी वॉशरूम जाएं अपने हाथों को ज़रूर धोएं, साफ़ करें, सीट साफ से करें, निचले हिस्से को सिंपल नॉर्मल पानी या गुनगुने पानी से साफ़ करके ड्राई रखें। फ्रीक्वेंटली अपने पैड को बदलें। टैम्पोन्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं वो तो 4 से 8 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे, उससे ज़्यादा ना रखें। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करती हैं तो उसे भी हाइजीनिकली धोएं, स्टरलाइज करें, तभी इस्तेमाल करें। कॉटन के अंडरवेयर पहने, सूखा रखें निचले हिस्से को और खुले हवादार कपड़े पहने, टाइट कपड़े ना पहने, कोई सेंटेड सोप या साबुन से उसको ना धोएं, क्योंकि अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन रखेंगी तो महक, बदबूदार पानी जाना, इन्फेक्शन होना, ये सब समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। बेहद पुराने समय से ये माना जाता है कि पीरियड्स के दौरान अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पीरियड्स के दौरान अचार खा लें तो नुकसान होता है। क्या सच में पीरियड्स के टाइम में अचार खाने से कोई नुकसान है? खान पान में कौन कौन सी चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए ताकि दर्द या साइड इफेक्ट से बचा जा सके? नहीं, ऐसे कोई फूड आइटम्स से तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा, मतलब अचार खाने से आपके पीरियड्स पे कोई इफेक्ट है, लेकिन जैसे बताया आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है जिसमें कई लोगों को एसिडिटी होना, गैस ज़्यादा बनना, पेट भारी भारीपन, फूला फूला सा लगना, ये हो सकता है। तो जब आप अचार या तेल वाली चीज़ें खाते हैं तो ये ही दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये बात की साइंटिफिक रीज़न की बजाय वो एक भ्रांति बन जाती है और वो यूनिफॉर्म बन जाती है, वो कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। जिसको नहीं होता वो आराम से खाए पिए, मतलब आपको पौष्टिक और स्वस्थ खाना खाना चाहिए। अगर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, गैस की परेशानी नहीं हो रही है, तो आप ले सकते हैं। ऐसा कोई ये रूढ़िवादिता है कि नहीं, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं। पीरियड्स के बारे में बात करना आज भी कई लड़कियों और महिलाओं के लिए थोड़ा मुश्किल है और शायद शर्मनाक भी महसूस होता है। दिस इज योर सेफ स्पेस, जहां आप पीरियड्स से रिलेटेड सवालों के जवाब जान सकते हैं। आज के एपिसोड में हमने 2 सवालों के जवाब जाने। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें लोकल 18 को।